तो दोस्तों, अगर आप Realme का डिवाइस यूज़ करते हैं, आपको पता होगा जैसा कि यहाँ पे सितंबर स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में कई सारे डिवाइस के यूजर्स को अभी प्रीवियस मंथ का अपडेट भी हो सकता है देखने को मिल गया होगा। और जिन यूजर्स को नहीं मिला है उनको पेशेंस रखना है, आने वाले समय में सभी के लिए अपडेट रोल आउट किया जा सकता है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, क्योंकि सितंबर चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सितंबर के मंथ में कई सारे यूजर्स को अपडेट जो है फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे कई सारे यूजर्स को जो अपडेट मिलेगा वो यहाँ पे उनको नया सिक्योरिटी पैच भी जो है फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा, और डेफिनेटली कई सारे यूजर्स यहाँ पे वेट भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले हैं कि आपको न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने को मिल जाएगा अगर आप रियलमी का डिवाइस यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। आपको पता है कि यहाँ पे सितंबर स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में कई सारे यूजर्स यहाँ पे वेट कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपडेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जिन यूजर्स को प्रीवियस वर्जन नहीं मिला है देखने को, उनको यहाँ पे इस मंथ जो है अपडेट शायद से देखने को मिल जाए। और Realme UI 4.0 का भी यहाँ पे वर्जन जो है कई सारे यूजर्स को जो है देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे में अभी हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट है वो कब तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो टीम यहाँ पे हर एक डिवाइस को पर मंथ नहीं भी देती, और कुछ कुछ डिवाइस ऐसी होती है जिनको पर मंथ यहाँ पे रोल आउट शेड्यूल किया जाता है अपडेट। और वो जो डिवाइस होती है वो 24 मंथ के अंदर की डिवाइस होती हैं, उनको डेली बेसिस पे, मतलब डेली मंथ के बेसिस पे यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर आपके पास Realme का कोई ऐसा डिवाइस है जिसके पास यहाँ पे अपडेट नहीं प्रोवाइड हुआ है तो आपको इस मंथ जो है अपडेट मिल सकता है, लेकिन आपकी डिवाइस 24 मंथ के अंदर की होगी तो रेगुलर अपडेट मिलेगा, अदरवाइज आपको अल्टरनेटिव अपडेट मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि अपडेट आपको कब तक देखने को मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि जो मंथ होता है अपडेट शेड्यूल होने का, या शेड्यूल अपडेट होता है, या फिर जो अपडेट रोल आउट होता है वो मंथ के एंड से पहले होता है, तो थर्ड वीक आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन भी यूजर्स को यहाँ पे अपडेट नहीं मिला है उनको 25 सितंबर के अराउंड में जो है अपडेट मिल सकता है। ठीक है, सभी को एक साथ अपडेट ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको पता है यूजर्स ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हाईली हैं, एंड हर एक ब्रांड में अलग अलग डिवाइस की यूजर्स काफ़ी हाईली हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट सभी को एक साथ प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर अपडेट उनके डिवाइस के लिए दिया जाता है। और आपको यहाँ पे मंथ का एंड लगभग लग जाता है जब तक टीम इस पर वर्क करती है और जब तक टीम सॉफ्टवेयर अपडेट को रोल आउट करती है। तो अगर आप यहाँ पे Realme का कोई ऐसा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसमें अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला है, या फिर 24 मंथ के अपडेट का हो आपका डिवाइस, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 25 सितंबर तक का वेट कर लेना है। इसी के अराउंड में आपको अपडेट मिल सकता है अगर पॉसिबिलिटी रही तो, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो तुरंत ही सभी यूजर्स को रोल आउट नहीं किया जाता है। यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग जो है कुछ कुछ यूजर्स को पहले दे दिया जाता है, कुछ कुछ यूजर्स को जो है बाद में दिया जाता है, तो वो डिपेंड करता है उनके टर्न के बारे में। जब उनका टर्न आता है तभी अपडेट को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऑलमोस्ट आपको वेट करना है यहाँ पे लगभग 20 कह सकते हैं कि 5 जो है यहाँ पे सितंबर तक का। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर का शेड्यूलमेंट होता है, और उसके बाद जैसे ही अपडेट आता है कई सारे यूजर्स को अपडेट जो है टाइम के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो होपली इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड जो है प्रोवाइड करवाई। तो आपने वीडियो अगर कंप्लीट देखे तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।